हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल बैक टुडे वी विल बी कवरिंग द पोएम चाइल्डहुड बचपन दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय मार्कस नेटन और मार्कस नेटन के बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगी ही वाज फ्रॉम नॉर्वे सो बेसिकली ही वाज अ नॉर्वेजियन एंड ही हैड ग्रेट टर्म्स विद न्यूजीलैंड और उनकी जो दो बहुत ही फेमस बुक्स रही हैं वन हैज़ बीन द मैसेंजर एंड द अदर हैज़ बीन द बुक थीफ ओके okay? और ये जो पोएम है चाइल्डहुड जो सेकेंड टर्म में क्लास ट्वेल्थ की सिलेबस में आएगी इस बार फॉर द एग्जामिनेशन ये एक बहुत ही छोटी पोएम है ओके देर ओनली वन टू थ्री फोर फोर स्टाज आर देर और इस पोएम के अंदर वो ये पूछते हैं कि मेरा बचपन कब गया आई नॉट डिस्टिंग्विश ठीक है मैं ये नहीं बता सकता कि बचपन अगर हम ये कहें कि आपका बचपन कब गया अभी आप जैसे ट्वेल्थ क्लास में हैं तो आप सोलह साल सत्रह साल के होंगे फिफ्टीन प्लस से होंगे राइट फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस सेवनटीन प्लस तो बचपन हम कब कहेंगे कब गया exactly बचपन कब गया जब आप एग्जैक्टली exactly आठ साल के हो गए थे तो क्या आठ साल में सभी का बचपन चला जाता है या आप दस साल के हो गए थे तो क्या ग्यारह साल में सभी का बचपन चला जाता है नॉट रियली सो इट्स नॉट अ डिफाइंड फिनिना तो बचपन कोई ऐसा एक फिनमिना नहीं है कि जैसे एक एज पार हुई एक थ्रेश पार हुआ तो वो चला गया तो हम फिक्स कर दें कि दस साल में आपका बचपन चला गया तो उन्होंने इनमें तीन स्टैंडाज में उठाए हैं तीन अलग अलग पाराज़ तीन अलग अलग सिनारी जिनको वो पूछते हैं कि क्या मेरा बचपन तब गया कि जब मैं इतने एज का हो गया या तब गया कि जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई ठीक है तो लेटस रीड लिटल बिट अलॉन्ग विद राइम रैन लेटस अंडरस्टैंड द पोएम सो आई एम गोइंग विद द फर्स्ट स्टैंडा When did my childhood go? It's a question. Okay? He is raising a question. Unona question puchae. Ki kab gaya. Was it the day I ceased to be eleven? Kya 11? Was it the time I realized the hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? एक्सक्लामेशन मार्क में वो ख़त्म करते हैं वो पूछते हैं क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे ये समझ आ गया कि हेवन यानी कि स्वर्ग एंड हेल यानी कि नर्क ये कोई दो ऐसी जगहें नहीं हैं ऐसी प्लेसेस नहीं हैं जो, जो जोग्राफ़ी की किताब में हो भूगोल की बुक में हो ये कोई फिजिकल प्लेसेस नहीं हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं बट ये एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन योर करमास एंड यू गो देयर आफ्टर डेथ कर, आप जो कर्म करते हैं और आप मृत्यु के बाद इन जगहों पे जाते हैं लेकिन ये जगहें कोई एक्चुअली में जगहें नहीं हैं जो किसी मैप में हो या जोग्राफी की बुक में हो तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे समझ आ गया कि हेवन एंड हेल डू नॉट एग्जिस्ट एज अ फिजिकल प्लेस इन अ जोग्रफ़ी बुक ओके देन कम्स दी सेकेंड स्टांजा तो ये छः लाइनों में उन्होंने फर्स्ट ठाजा को ख़त्म किया है सेकेंड स्टांजा में अगेन द सेम क्वेश्चन ही याज इन द फर्स्ट लाइन वेन डिड माई चाइल्ड हुड को मेरा बचपन कब गया सेम क्वेश्चन कब गया वॉज ऐट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी दे टॉक्ड ऑफ़ लव एंड प्रीचड ऑफ लव बट इज नॉट एट सो लविंगली वॉज द द डे ठीक है फिर से एक्सप्लान मार्क्स में उन्होंने ये पूछा है कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे ये पता चल गया कि जो एडल्ट हैं अट्ठारह साल से बड़े हैं व्यस्क हैं जो बड़े लोग हैं वो जितने अच्छे दिखते हैं जितनी प्यार की बातें करते हैं आ, 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 प्रीच ऑफ लव द टॉक ऑफ लव लेकिन वो इतने प्यारे नहीं हैं उनके मन में भी द्वेष है, जैसे कहते हैं ना मुख में राम बगल में छुरी मतलब अंदर आपके इंटेंशंस कुछ हो रहे हैं और दबान पे कुछ और हैं तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे ये समझ आ गया कि भोली सूरत वालों के मन में भी बहुत सारे ईविल uh, रेट्स uh, होते हैं ख़राब आइडियाज़ होते हैं तो जब मुझे ये समझ आया कि अच्छा दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती हमेशा क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया ओके देन कम्स द थर्ड स्टैंडा वेन डिड माई चाइल्ड हुड को मेरा बचपन कब गया सेम क्वेश्चन तीनों स्टैंड में बिगनिंग की पहली लाइन और लास्ट लाइन सेम है ठीक है वॉज द द डे वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज़ विच एवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थाट्स That वज not those of other people, but my own, and mine alone was ऐट the day. तो कहते हैं क्या मेरा बचपन उस दिन गया जब मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरा दिमाग है जो मेरा माइंड है जो मेरा ब्रेन है वो एक्चुअली में सिर्फ मेरा है और मुझे अपने ही दिमाग का इस्तेमाल करके यूज़ करके जो है सही और गलत में से चूज़ करना है ओके सो आई हैव टू चूज ऑन माय ओन और अलोन ऑन माय ओन मुझे हर चीज़ डिसाइड करनी है ना कि दूसरों की बातों में आकर दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कोई गलत डिसीजन लेना है तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मुझे ये बात समझ आ गई ठीक है कि ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने कर्मों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी खुद की है मुझे अपने खुद के दिमाग से सोच करके डिसाइड करना है तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया ओके एंड देन कम्स द लास्ट स्टैंडा वेयर डिड माई चाइल्ड हुड को तो आखिरी स्टैंडा में उनकी लाइन पहली बिगनिंग की बदल जाती है और लास्ट लाइन भी बदल जाती है वो बोलते हैं वेयर कहाँ गया मेरा बचपन कहाँ गया इट वेंट टू समस ये किसी खोई हुई जगह पर चला गया टाट्स हिडन इन एन इनफांट्स फेस जैसा कि एक इन्फांट पाँच साल से छोटा बच्चा जैसा कि किसी इनफांड मासूम के चेहरे पर होता है जो छुपा हुआ होता है शायद ये वहाँ ऐसी किसी जगह पर चला गया दैट्स ऑल आई नो और मुझे सिर्फ यही पता है कि मेरा बचपन अब खो गया ठीक है सो हे द पोएम एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पोएम तीनों पैराम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है चौथे में उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि उनको नहीं पता मतलब बेसिकली ही ड नो कि कब गया ही इज नॉट एबल टू डिसाइड वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं और आखिरी में वो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा बचपन खो गया है कहीं चला गया है बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इन्फेंट के मासूम के चेहरे पर मासूमियत इनोसेंस दिखती है ठीक है और वो बड़े होने पर खो जाती है बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली माई चाइल्ड हुड इज गॉन राइट तो यहाँ पोएम खत्म होती है बच्चों सिमिलरली इवन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि आप बताइए कि आपका बचपन कब गया या क्या अभी भी आप बचपने में हैं या आपका बचपन ओवर हो गया है ठीक है सो क्वेश्चन आंसर क्रिटिकल अप्रिसिएशन राइम स्कीम एंड अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे